नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसर्टिंग इमेजेस इन HTML। HTML के अंदर इमेजेस कैसे डालते हैं वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने कवर किया था पूरे जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो टैग है, साथ में हाइपरलिंक वाला जो एग्जांपल मैंने कवर किया था, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं HTML वेब पेज के अंदर। चलिए शुरू करते दोस्तों। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आ गए। यहाँ पे जो इमेज आपको अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए सिंपल जो टैग है IMGSRC इक्वल टू इमेज का नाम। तो इमेज का नाम आपको पहले आपको देखना है, मतलब वो इमेज का नाम यानी फाइल का जो नेम आपने क्या बोल के सेव किया था, या और उसका जो एक्सटेंशन भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि JPG, PNG, यू नो, GIF वगैरह वगैरह जो अलग अलग इमेज का एक्सटेंशन होता है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए इसको सेव करेंगे यहाँ पे, फिर अभी इसको जाके मैं ब्राउज़र के अंदर इसको रीलोड करूँगा। तो जैसा मैंने रिलोड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा एक इमेज है, तो वो इमेज यहाँ पर वेब पेज के अंदर डिस्प्ले हो गया। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट जो पाथ लिखा था, दोनों जो यानी दोनों मेरा HTML फाइल और इमेज जो है दोनों सेम लोकेशन पे, इसलिए मुझे पूरे पाथ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आपको जो इमेज अलग लोकेशन पर है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक इमेज में मेरे पास जो है डी ड्राइव के अंदर एक इमेज है, तो वो इमेज मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला यहाँ पर, जैसे कि solid.jpg बोल के। तो चलिए इसको देखेंगे यहाँ पे, जो डी ड्राइव के अंदर एक इमेज है उसका नाम है solid.jpg बोल के। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, फिर इसको जाके आप यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे यानी ब्राउज़र के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, जो मेरा अलग ड्राइव से यानी अलग जो लोकेशन से। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता दोस्तों बेसिक यानी कंप्लीट पाथ, यानी D:\ और फाइल का नेम, एक्सटेंशन वगैरह वगैरह, वो जो है पूरा लिखना। साथ में अगर आप इसको साइज़ वगैरह कम करना है, यानी हाइट एंड विड्थ वगैरह आपको कम करना है, यानी बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तो आपको यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट एंड विड्थ बोल के, तो चलिए इसको सेव कीजिए, फिर बाद में इसको यहाँ पे रीलोड कीजिए यानी जो पेज है। तो जैसा आप रीलोड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्ट जो स्क्वायर शेप के अंदर इमेज जो डिस्प्ले होगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये लिखना है बेसिक, यानी ये जो टैग है विड्थ इक्वल टू वैल्यू और हाइट इक्वल टू। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो, इमेजेस इंसर्ट करना है HTML के अंदर। अगला वीडियो के अंदर मैं फिर दूसरा एग्जांपल लेके आऊँगा। अगर आप नया हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो वेबसाइट का जो नाम मैंने दिया, वहाँ पे सारे जो प्रोग्राम्स हैं आप वहाँ पर जाके पूरे प्रोग्राम विद सोर्स कोड के साथ आप देख सकते हैं। धन्यवाद।